रिसेंटली रशिया के द्वारा यूक्रेन पर डर्टी बॉम्ब के उपयोग का आरोप लगाया गया है। डर्टी बॉम्ब को रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस भी कहा जाता है। ये एक ऐसा बॉम्ब है जिसमें कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव डिवाइस के साथ टॉक्सिक न्यूक्लियर मटेरियल का भी उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप TNT के साथ यूरेनियम का विस्फोट करते हैं तो ये एक प्रकार का डर्टी बॉम्ब कहलाएगा। डर्टी बॉम्ब को बनाने के लिए न्यूक्लियर मटेरियल हॉस्पिटल, न्यूक्लियर रिएक्टर एंड रिसर्च लैब से प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे बॉम्ब बनाने के लिए बहुत ही कम समय और कॉस्ट की आवश्यकता होती है। इमीडिएटली डर्टी बॉम्ब के कोई खास हेल्थ इम्पैक्ट नहीं होते, क्योंकि इसके रेडिएशन फैलने से पहले आप मेजर पॉपुलेशन को शहर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन इसके इकोनॉमिक डैमेज बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस बॉम्ब के कारण आपको कई शहर खाली कराने पड़ सकते हैं।